रक्षिका जी बहुत खुश होंगी आज आपकी पहली मराठी फिल्म का प्रीमियर है, रिलीज हुई है, क्या कितनी एक्साइटेड है? आई एम वेरी एक्साइटेड और सबसे बड़ी बात है एक्साइटमेंट की बात की जो बात है वो है खुशी. सो आई एम वेरी हैप्पी कि हर जगह पे हमारी मूवी हाउसफुल जा रही है और हमने आज प्रीमियर रखा था और हम सबके साथ देख रहे हैं और यहाँ पे भी पूरा फुल हाउसफुल है. तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरी फर्स्ट मराठी मूवी है एंड वो हाउसफुल जा रही है. आई एम वेरी हैप्पी. मराठी फिल्म ही क्यों, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ. हम लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो मराठी फिल्म ही बनाएंगे और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अब एज प्रोड्यूसर मैं मूवी बना रही हूँ, चाहे एज एन एक्ट्रेस या एज प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस से किसी भी लैंग्वेज की मूवी जो मुझे स्टोरी पसंद आएगी मैं उस हर लैंग्वेज पर मूवी बनाऊँगी. ऐसा कुछ भी दायरा नहीं है कि इस लैंग्वेज की मूवी नहीं बनानी है या इस लैंग्वेज की मूवी बनानी है. तो चाहे वो मराठी हो, बंगाली हो या गुजराती हो या किसी भी लैंग्वेज की मूवी हो, मुझे स्टोरी अच्छी लगेगी मैं ज़रूर बनाऊँगी. इस फिल्म की क्या खास बात है, जैसे आपने कहा कि स्टोरी अच्छी लगेगी, इस फिल्म में ऐसी क्या खास बात लगी आपने इस फिल्म को प्रेजेंट करने का? एक्चुअली जो ये मूवी है इसका जो टाइटल है वो रोम कॉम है. रोम कॉम की फुल मीनिंग है, फुल जो टाइटल है वो रोमांटिक कॉमेडी है. और हर जो भी हम मूवी देखने जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें क्या होता है, या तो इंसान रोता हुआ ही निकलता है या पूरी फिल्म में रो ही रहा होता है या पूरी फिल्म में हंस ही रहा होता है. लेकिन पहली बार ऐसा है कि इस फिल्म में सब कुछ है और ये फिल्म आपको बोर नहीं होने देगी. आपको हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस ही नज़र आएंगे. अगर आप रो रहे हैं तो थोड़ी देर बाद आप हंसेंगे भी, तो वो चेंजेस हैं. मीन्स ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हैं तो सिर्फ रो ही रहे हैं या हंस रहे हैं तो सिर्फ हंस रहे हैं. चेंजेस काफ़ी हैं जो आपको एंड तक आपको चेयर से हिलने नहीं देगी. सुपर, बहुत अच्छा. हर कोई अपनी फिल्म को अच्छा बोलता है बट मैं रियली बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि पता नहीं मूवी कैसी जाएगी कैसी नहीं. बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमारा जो पर्सनल रिव्यू होता है, बिकॉज हम मेकर हैं, अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें अच्छी लगती है चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो. लेकिन उसकी जो असली जो परीक्षा है या असली जो रिजल्ट है ना वो पब्लिक देती है, ऑडियंस देती है. तो मैं बहुत डरी हुई थी कि इसका कैसा रिव्यू आएगा या किस तरीके से. लेकिन मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट डे ही ये हाउसफुल जाएगी हर जगह, चाहे वो गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, चाहे वो किसी भी तरीके, हर जगह पे ये पीवीआर में हर जगह पे पूरा हाउसफुल जा रही है. जैसे कि आप लोग चेक भी कर सकते हैं तो रोम कॉम इस टाइम पे कोई टकरा नहीं रहा है रोम कॉम से. जो हमारे जो मेल एक्टर हैं विजय गीते और जो फीमेल है मधुरा, तो उन दोनों का काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. मधुरा की तो ये फर्स्ट मूवी है और फर्स्ट मूवी के हिसाब से उसने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ. और विजय तो सुपर है, उसने ऑलरेडी पहले काफ़ी फिल्में की हुई हैं तो उसे पता है कि हाँ काम कैसे करना है. तो मैं ये भी बता रही हूँ कि शायद उन दोनों को लेके मैं नेक्स्ट भी कोई मूवी प्लान करूँगी और बहुत अच्छे से प्लान करूँगी. आपकी जो प्रोडक्शन हाउस है, अब आगे क्या होने वाला है इस प्रोडक्शन हाउस से? आगे मेरी एक भोजपुरी और एक और मराठी मूवी है. लेकिन जो मेरा प्रोडक्शन हाउस है उससे कभी भी जो कहानियाँ हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होंगी. तो हमेशा कुछ ना कुछ हर फिल्म में डिफरेंट मिलेगा. तो जो नेक्स्ट मेरी मराठी मूवी वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी. सो आगे देखने को पता चलेगा. कुछ कहना चाहोगी फैंस को? जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सबका प्यार बहुत ज़रूरी है. बिकॉज हम लोग तो कोई चीज़ बना देते हैं, जस्ट लाइक अगर हमने कोई खाना बना दिया है तो खाने वाला ही बताएगा कि हम कितना अच्छा हमने बनाया है या कितना बुरा हमने बनाया है. तब जाके पता चलता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं. तो आप लोग ही बताएंगे. और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर रोम कॉम देखने जाइए. और सिर्फ लैंग्वेज छोड़ दीजिए कि लैंग्वेज क्या है, लेकिन ये भी बता रही हूँ कि इसमें हिंदी और मराठी दोनों मिक्स हैं. तो आप सबको समझ में आएगी मूवी. तो आप लोग प्लीज़ जाइए और रिव्यू ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आगे क्या कमियाँ रह गई हैं, जिन कमियों को मुझे आगे रिपीट नहीं करना है. अगर आप लोग जाएंगे नहीं देखने, रिव्यू नहीं देंगे तो मुझे कमियाँ नहीं पता चलेंगी और आगे मैं उसमें सुधार नहीं कर पाऊँगी. बस इतना कहूँगी. थैंक यू सो मच.